नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से एक आपको दांत और कान रोग के संबंध में कुछ छोटे छोटे प्रयोग आपको बता देता हूं। आजकल लोग पान गुटखा बहुत खाते हैं, बहुत जल्दी दांत लोगों के बच्चों से ही खराब हो रहे हैं, सड़ भी रहे हैं। इस प्रयोग को करने से दांत में काफी लाभ होता है। आप अपने घर में दंत मंजन इसको बना लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। बड़ी मोंगा सुपारी ले लीजिए 5, थोड़ी सी खैर, खैर की पत्ती, मोंगा सुपारी, पकी हुई नीम की पत्ती, पकी हुई नीम की पत्ती वो ले आइए। इसके बाद इसमें आप बादाम के छिलके और अखरोट के छिलके मिला दीजिए। इन सब चीजों को मिला के आप इसको जला लीजिए, तवे में रख दीजिए, ये जल जाएगी। सुपारी को तोड़ लीजिए और ये नीम की पत्ती, सब ये जल जाए बिल्कुल। जब बिल्कुल राख मिल जाए, राख बन जाए, तो इसको आप छान लीजिए, तो कुछ थोड़ा बहुत काला रह गया होगा तो निकल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी, जितनी मात्रा में ये सब बनाया है, मान लीजिए आपने 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम लिया, तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, एक 5 ग्राम के बराबर सीप की भस्म बाजार में मिलती है। सीप भस्म आयुर्वेद की जो दुकानें रहती है वहां सीप भस्म मिल जाती है। इसमें सीप भस्म मिला दीजिए और हल्दी, अच्छी हल्दी, बाजार की हल्दी काम नहीं करती, आप अच्छी पकी वाली जो लाल हल्दी अपने गठाने ले आइए, उसको अच्छा पीस लीजिए और उसमें मिला के एक डब्बी में रख लीजिए। रात को सोने से पहले उसको आप अपने हाथ में लीजिए, उसमें थोड़ा सा अपना नमक मिला के और सरसों का तेल उसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप उंगली से उससे अच्छी मालिश करिए, उसको मंजन उसी से करिए। आप मंजन एक 15-20 मिनट तक मंजन करिए, इसके बाद आप कुल्ला करके, कुछ नहीं खाना है आपको, सो जाना है। ये दांतों की, चाहे दांतों में सड़क हो, दांत हिल रहे हो, दांतों में ठनक हो, ठंडा पानी पीने से ठनक होती हो, ये मित्रों समस्त आपके दांतों को सफेद भी करती है। अगर आपके पीले दांत हो गए हैं, उसमें तंबाकू खाने से, आजकल जो तंबाकू गुटके में जो पाउडर मिलाया जाता है, जो कत्थे के नाम से मिलता है, वो आप हथेली पे लगाएंगे तो बहुत दिन तक छूटता नहीं, वो पाउडर भी आपके दांतों में ऐसा जकड़ जाता है कि निकलता नहीं है। अगर आप इससे करेंगे तो आपका पूरा दांत भी सफेद होने लग जाएंगे और बहुत मजबूत होने लग जाएंगे। दांतों के संपीड़ा भी अगर लगा होगा तो इस मंजन से अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग है मित्रों, तो दांतों के लिए इसको आप घर पे बना लीजिए और करिए। अब कान रोग की बात जहां तक आती है, कान में अगर बुन 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 की आवाज आती है, हवा निकलती है, आजकल मोबाइल दिन भर 24 घंटे जो हम कान में लगाए रहते हैं, उसके बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, बहरापन बढ़ रहा है, तो इसके प्रयोग के लिए इंद्रायण होता है, ये इंद्रायण बोलते हैं इसको, छोटे छोटे फल होते हैं, बेला में गांव की बागड़ों पे मिल जाते हैं, इसको इंद्रायण बोलते हैं। इस फल को लाके और तिल के तेल में इसको पका लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, ये टूट जाने के बाद इसके अंदर बीजे निकलते हैं, ऐसा बहुत कड़ू होता है, इसको ऐसा फोड़ के इसमें इसको आप तिल के तेल में अच्छा पका लीजिए। जब ये जल जाए तो तिल के तेल को निकाल लीजिए और छान लीजिए, उसको एक शीशी में भर के रख लीजिए अपने दोनों कानों में। वैसे भी इसका प्रयोग करने से कान में अत्यंत लाभ होता है, दोनों कान में दो दो बूंद रात को सोते समय डाल लीजिए, तो ठंड के दिनों में भी जो आपके कान में सुनाना बंद हो जाता है या कान में तकलीफ होती, तो ये प्रयोग से आपको कान में अत्यंत लाभ होगा। तो इसके साथ ही गौमूत्र, मैंने पहले ही बताया कि छोटी बच्चिए का गौमूत्र लीजिए, उसको उबाल लीजिए, या वो थोड़ा बचे उस, जब ठंडा हो जाए तो उस गौमूत्र को कान में अगर आप दो दो बूंद डालते हैं तो कान के कोई रोग होते नहीं। इसी प्रकार से कान में अगर कीड़े पड़ गए हैं या पस है, तो ऊंट का पेशाब भी गर्म करके जब वो ठंडा हो जाए, छान ले उसको, ऊंट का पेशाब भी अपने दोनों कान में थोड़ा थोड़ा डालने से कान में अत्यंत लाभ मिलता है। तो मेरा ये YouTube के माध्यम से आपने इस वीडियो को देखा,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे से जो भी प्रश्न हो मेरे मोबाइल नंबर पे या मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ इसको आप करिए घर पे और इसका भरपूर लाभ उठाइए। नमस्कार।